स्वागत है साथियों आपका एग्रीएंस क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस। पहले समझते हैं कि पृथक्करण दूरी क्या होती है। साथियों, बीज उत्पादन में जैसे आप गोभी का बीज उत्पादन कर रहे हो तो उससे एक निश्चित दूरी तक गोभी का दूसरा खेत नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं पृथक्करण दूरी, यानी बीज उत्पादन में एक फसल से उसी फसल का खेत एक निश्चित दूरी तक नहीं होना चाहिए। दो होते हैं आधार बीज और प्रमाणित बीज। देखो, बीज की चार क्लास अपन ने पढ़ी थी, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। तो मूल केंद्रक और प्रजनक बीज तो किसी वैज्ञानिक या प्रजनक की देखरेख में होते हैं, साइंटिस्ट की देखरेख में, लेकिन आधार बीज और प्रमाणित बीज का उत्पादन एनएससी आरएससी किसी बीज संस्था की देखरेख में किसान के खेत पर होता है। तो इनकी फसल एक खेत से उसी फसल के दूसरे खेत को कितनी दूरी पर करते हैं, वो होते हैं पृथक्करण दूरी। तो हर फसल की पृथक्करण दूरी अलग होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एग्जिट काफी उदाहरण एक जगह मैंने लिस्ट में एक जगह किए हैं। देखो, मैंने हर टॉपिक में स्लाइड बनाते रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि आपको कम से कम जितना आप 10 से 12 कोचिंग या 10 से 12 गाइड में पढ़ते हैं उतना मैंने सिर्फ मेरी ही एक ही कोचिंग में एग्रीएंस क्लासेस में मोड नोट्स में मैंने सारी चीजें आपके डाल दी है ताकि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। जैसे पृथक्करण दूरी है तो एक दो उदाहरण ने डालकर सारी ही फसलों के उदाहरण डाले ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए। अपना टारगेट रहे 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आए, एग्रीकल्चर कृषि प्रयोगशक में 60 के 60 क्वेश्चन अपन सही करें। अब है किस फसल की कितनी आधार बीज उत्पादन के लिए और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए मीटर में है। जैसे गोभी, मूली, पालक, आधार बीज से के लिए एक खेत से उसी फसल के दूसरे खेत की दूरी 1600 मीटर, प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर, बाजरा के लिए 1200, गाजर के लिए 1300। अब आप कहोगे एक ही फसल के लिए दो कैसे, यह आधार बीज उत्पादन के लिए है और यह प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए है। प्याज के लिए 1400, इसी प्रकार कुकुरबिटेसी यानी कुकुरबिटेसी फसलों के लिए 800 और 400, संकर मक्का 600 और 300, संकुल मक्का और सरसों 400। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन कई बार आता है, संकुल मक्का की कितनी दूरी होती है, लोग ये लिख देते हैं। संकर मक्का की अलग दूरी होती है संकुल मक्का की। जब मक्का की फसल बटेंगे तो आपको बताएंगे संकर मक्का क्या होता है, संकुल मक्का क्या होता है। सूरजमुखी, कुसुम, मिर्च, भिंडी में भी 400 और 200। नेक्स्ट, इसी प्रकार अरंडी में 300 100, जवार बैंगन अरहर में 200 और 100, कपास और टमाटर में 50 और 30, गवार चवला अलसी में 50 और 25, उड़द और मूंग में 20 और 10, चना में 10 और 5, गेहूं, जो जई, चावल, सोयाबीन, मूंगफली में 3 और 3। ये हो गई इधर आधार बीज के लिए दूरी और ये होती है पृथक्करण बीज के लिए दूरी। अब है भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, यानी कुल बीज का भार अपने पास होता है, भौतिक अशुद्धियों का भार होता है। तो भौतिक अशुद्धियां बटा कुल बीज भार होना 100, यानी भौतिक अशुद्धियां ज्ञात की जा सकती है। शुद्धता प्रतिशत, जैसे शुद्ध बीजों का भार डिवाइडेड बाय कुल बीज भार गुणा 100। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे अपन शुद्धता प्रतिशत, भौतिक शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंकुरित बीजों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल बीज गुणा 100। यानी जैसे क्वेश्चन आए अंकुरित बीजों की संख्या 2 है और कुल बीज 100 है, या अंकुरित बीजों की संख्या 20 है कुल बीज कितने हैं 100 है, तो अंकुरण प्रतिशत क्या होगा, अंकुरित बीजों की संख्या 20 डिवाइडेड बाय कुल बीज कितने हैं 100 गुणा 100, यानी अंकुरण प्रतिशत कितना हो गया 20%। तो अंकुरण प्रतिशत मतलब होता है कुल बीज, जो अंकुरित बीजों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल बीज गुणा 100। यानी आपके पास 100 बीज थे उसमें से 85 बीज अंकुरित हो गए, तो अंकुरण प्रतिशत कितना हुआ 85/100 गुणा 100, यानी 85%। अब है किस फसल का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, जैसे कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने, गेहूं, जो, चना का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है 85%, धान, ज्वार, तिल, रिचका, बरसीम का अंकुरण कितना होता है 80%, बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, चवला कितना होता है 75%, कपास का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है 65। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि कपास का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है 65।